पूरी तरह से हताशा से उपजा हुआ बयान है। जहां पार्टी पर परिवार ज्यादा भारी हो, वहां विचारधारा या लोकतंत्र ये शब्द बेमानी हो जाते हैं। और शायद इसीलिए आज संसदीय दल हो या उनके पार्टी का नेशनल जो स्ट्रक्चर है, आज चिराग पासवान और पशुपति पारस, अगर आप देखें तो ये पूरी तरह से पार्टी नहीं, परिवार के दो महत्वपूर्ण सदस्यों के बीच का द्वंद्व है और पार्टी उस पर विभाजित है। इसलिए किसी और के कुछ भी बयान देने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने तय किया पारस जी पर काफी वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जिस तरह से पशुपति पारस ने कदम उठाया है। पशुपति पारस ने भी कहा है कि मुझे चिराग पासवान बता दे कि उन्होंने बिहार एलजेपी अध्यक्ष पद से मुझे क्यों हटाया। मैं बार बार बोल रहा था एनडीए के साथ चुनाव लड़िए, वो अलग लड़े, रिजल्ट सामने है, मुझे ये जानना है। देखिए, अब ये पूरी तरह से अंदरूनी मसला है एलजेपी का, और इसीलिए जनता दल यूनाइटेड के किसी भी नेता के बयान का कोई औचित्य नहीं है। बात करते हैं दिल्ली, एक सोर्स की तरफ से बात सामने आई है कि दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के इंडिया एमडी को 31 मई को ही सवाल जवाब कर दिया था संबित पात्रा का टूलकिट वाले मामले। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी सूरत में अक्षुण रहनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया की जो जिम्मेवारियां हैं उनका निर्वहन भी ट्विटर इंडिया को करना होगा। इस देश के जो कानून हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो सीमाएं हैं, उसका सम्मान ट्विटर इंडिया हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या अन्य कोई भी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं, उन्हें करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता इसे सियासत से प्रेरित बनाने का काम अपोजिशन के कई नेता कर रहे हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन हो सकता है मीडिया को लेकर के, जो हम कह सकते हैं कि उनको रेगुलेट किया जाना कई मामलों में आवश्यक है, तो इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि फ्री स्पीच का यह मतलब नहीं है कि आप अपने मंच के लिए, कानून तो अपना काम करेगा, कानून से आप बच नहीं सकते हैं। निसंदेह भारतीय परिवेश के अनुरूप जो एक लक्ष्मण रेखा है उसका सम्मान किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को करना होगा। बात करते हैं तमिलनाडु की, वहाँ AIADMK ने शशिकला का जो एक ऑडियो क्लिप जारी हुआ है वायरल हुआ है, आरोप लगाया कि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चल रही है, जो कि गलत है। अब जिस तरीके का विवादित अतीत शशिकला का रहा है और जिस तरह के आरोप उन पर पहले भी सत्ता का दुरुपयोग करने के लगते रहे हैं, जयललिता जी के जीवित होने के दौरान भी उनके कार्यकाल में उनकी दखलंदाजी को लेकर के कई विवाद सामने आए, अन्ना डीएमके का जो विभाजन हुआ वो भी कहीं ना कहीं शशिकला जी की भूमिका को लेकर के देखा जा सकता है। इसलिए ये पूरी तरह से उन्हें आपस में तय करना होगा कि AIADMK का स्वरूप आने वाले समय में क्या हो। आरोप लगाया कि जो कोवैक्सीन प्रोडक्ट है उसमें बछड़े का सीरम मिलाया हुआ है, बीजेपी ने इस पर सख्त आपत्ति जाहिर की है, बोला कि कांग्रेस माफी मांगे इस तरह के बयान से। कांग्रेस निश्चित तौर पर वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर के जिस तरह के बयान पूर्व में भी देती रही है और एक बार फिर गुमराह करने वाले बयान उनके आए हैं, इससे वैक्सीनेशन की गति अगर कम होती है तो निश्चित तौर पर इस विकट स्थिति का सामना करने में देश को कठिनाइयां होंगी। और जब तीसरे चरण की आहट लोग महसूस करने की स्थिति में आ रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के जरिए वो स्थिति नहीं आने देना है, वैक्सीनेशन एक कारगर भूमिका का निर्वहन करेगा और इसलिए कांग्रेस को अपने रवैये पर विचार करना चाहिए। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सेंटर ने डिनाय कर दिया और जब वो अनुमति लेने गए थे कि ऑक्सीजन के कमी से जो डेथ हुआ है इसकी जांच के लिए, तो कांग्रेस जो दिल्ली की सरकार है, सेंटर की सरकार है, उसने परमिशन देने से मना कर दिया, बोला कि नहीं दे सकते। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है
दिल्ली सरकार ने भी इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से राजनीति से प्रेरित नजरिया अपनाया, चाहे वो डेथ ऑडिट को लेकर के या ऑक्सीजन के संकट को, जिस तरह से उन्होंने देश के सामने रखा, केंद्र राज्य संबंधों की जो बदरंग तस्वीर उन्होंने बनाने की कोशिश की, महामारी के इस दौर में ऐसा व्यवहार कतई स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविंद ने जिस तरह से भारत को कोरोना से लड़ने में मदद की है, हम उसके लिए उसको साधुवाद देते हैं। उन्होंने टेक्निकल फर्म से अपील की है कि वो भारत में इन्वेस्ट करें। नहीं, कोरोना से निपट पाने में अभी भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए ये थोड़ी जल्दबाजी होगी कि हम ये कहें कि हम निपट चुके हैं। जिस तरह से कई इलाकों में आज भी केसेस आ रहे हैं, कई इलाकों में जब लॉकडाउन या कर्फ्यू हटाया गया है, रियायतों के बाद आंकड़े बढ़े भी हैं, तो मुझे लगता है अभी जल्दबाजी में कुछ भी कहना कि इस चरण पर हमने नियंत्रण पा लिया है, ये उचित नहीं होगा। आईएमए ने कहा है कि 730 डॉक्टरों ने सेकेंड वेव में अपनी जान गंवाई कोरोना में, जिसमें बिहार पहले और दिल्ली दूसरे स्थान पर था। ये चिंता का विषय तो निश्चित तौर पर है और आगे ऐसे एहतियाती कदम जरूर उठाए जाने चाहिए जहां ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए कि जिस तरह से चिकित्सकों ने अपने जान को दांव पर लगाकर बीमार लोगों की सेवा की है और मृत्यु के आंकड़ों में अगर गुणात्मक बदलाव कहीं दिखा है तो उसमें चिकित्सकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। एनडीए के मेंबर ने कोविड संबंधी जो डिस्कशन था जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का, उसे ट्वीट कर गया, वहाँ काफी गतिरोध आया और पैनल के जो चेयरमैन थे उन्होंने उनको ऑफर किया कि आप लोग ट्वीट कर सकते हैं। पूर्ण पारदर्शिता के साथ उन वजहों को जरूर जानना चाहिए जिसकी वजह से कोई पैनल से एक्सपर्ट अगर ट्वीट करता है तो उसके नजरिए को भी देश के सामने रखा जाना चाहिए, इसलिए कि ये बेहद महत्वपूर्ण है कि कोई भी नीतिगत निर्णय आप करते हैं उसमें अगर इस पैनल में कुछ लोग ज़्यादातर लोगों से सहमत नहीं हैं तो असहमत लोगों की राय को भी प्रमुखता के साथ सुना जाना चाहिए। कर्नाटक में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दिल्ली से अरुण सिंह गए हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, कुछ विधायक नाराज हैं उनसे मिलेंगे, क्या चल रहा है? देखिए, एक बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, देश के अनेक राज्यों में उनकी सरकारें हैं और ये स्थितियाँ कई बार अलग अलग राज्य में आती हैं, लेकिन उनका नेतृत्व तो इतना सक्षम है और जनप्रतिनिधियों के बीच वो आज भी उनकी जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत है, तो निश्चित तौर पर वो अगर मध्यस्थता करेंगे तो इनका समाधान जरूर निकल आएगा। ABP News आपको रखे आगे।